हे फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। काफी सारे लोग जो सोशल मीडिया मैनेजर्स बनना चाहते हैं, उनके लिए ऑन ए डेली बेसिस अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ अपलोड करना, क्लाइंट्स का प्रोफाइल हैंडल करना, ये सब कुछ बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए सोशल मीडिया मैनेजमेंट टूल की जरूरत है। वैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में नेटिव टूल्स होंगे, जैसे कि मेटा में आप फेसबुक में और इंस्टाग्राम में पोस्ट कर सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं, लिंक्डइन में आप कर सकते हैं, ट्विटर में आप कर सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत एक्टिव हो एज अ फ्रीलांसर, सोशल मीडिया मैनेजमेंट में आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे सेम कंटेंट ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे अपलोड करते हो, या फिर अपना क्लाइंट का प्रोफाइल्स हैंडल करते हो, ऐसे टाइम पे सोशल मीडिया मैनेजमेंट टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनफैक्ट ऑलमोस्ट मैंडेटरी समझो। जब इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी जानना इंपॉर्टेंट है कि मार्केट में बहुत सारे सोशल मीडिया टूल्स हैं। जो भी चॉइस ऑफ सोशल मीडिया मैनेजमेंट टूल्स होगा, जो भी मैं कंपेयर करूंगा, ऑब्वियसली मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा इस चैनल में, क्योंकि मैंने कॉन्टेंट चेंज किया है स्पेसिफिकली सोशल मीडिया मैनेजमेंट के ऊपर। जो मेरा सब्सक्राइबर्स है वो अभी थोड़ा कम है। अगर इस वीडियो पे बहुत अच्छा व्यूज आएंगे तो अगली बार कभी मैं बहुत डिटेल में फीचर्स का वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी हाई लेवल में आपके लिए बेस्ट टूल कौन सा है ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले सोशल मीडिया मैनेजमेंट टूल जब हम बात करते हैं, सबसे पहला नाम आता है हूटस्वीट। हूटस्वीट का एक लेगेसी है, काफी बड़ा ब्रांड है। एक ऐसे टाइम था सोशल मीडिया मैनेजमेंट मतलब हूटस्वीट, काफी सारे बड़े बड़े कंपनीज जो है हूटस्वीट को ही यूज करते हैं। उसको छोड़ के नए नए टूल्स भी आ चुके हैं। अब जो भी ऑप्शंस अवेलेबल है उनमें से चुनेंगे कैसे? अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप मोस्ट लाइकली एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, फ्रीलांसर हो, या सोशल मीडिया मैनेजमेंट में अपना करियर शुरू कर रहे हो। अगर आप पहले से ही एस्टेब्लिश्ड होते तो आप ऑलरेडी एक टूल यूज कर रहे हो। शायद जो मैं बात कर रहा हूँ वो आपको पहले से ही पता होगा। हूटस्वीट को छोड़ के बहुत सारे सोशल मीडिया मैनेजमेंट टूल्स हैं। बफर, लेटर, मैट्रिकूल, विस्टा सोशल, और भी बहुत सारे सोशल मीडिया मैनेजमेंट टूल्स हैं। लेकिन इनमें से जो थोड़ा इंटरेस्टिंग जो मुझे लगा है, दो तीन उनमें से मैंने चूज किया और एक हाई लेवल कंपैरिजन करके आपको बता दूंगा। फीचर्स की डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बट यू कैन अराइव एट अ डिसीजन। अब हूटस्वीट के बारे में तो मैंने बता दिया कि वो एक लेगेसी प्लेटफॉर्म है, काफी बड़े बड़े कंपनीज उसको यूज कर रहे हैं, रॉबस्ट है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है? कम से कम मेरे लिए वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। कम से कम मैं जैसे देखता हूँ सोशल मीडिया मैनेजमेंट टूल के लिए, फ्रीलांसर्स हो सकते हैं या फिर नए नए जो भी शुरू कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव प्लेटफॉर्म है। इसका लुक एंड फील का भी मैं फैन नहीं हूँ। वो विंडोज 97 का जो फील है, स्क्वायर बॉक्सेस, बहुत ही ट्रेडिशनल लुक है, रॉबस्ट है, लेकिन यूज करने में मजा नहीं आता है। सो इफ यू आर अ बिगिनर, मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि हूटस्वीट मे नॉट बी अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू, क्योंकि इतना पैसा जो हम दे रहे हैं कंपेयर टू अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इतना पैसा क्यों दे रहे हैं? उसके लिए अगर मैं एक स्ट्रॉन्ग रीजन ढूंढू तो वो रीजन मुझे मिल नहीं रहा है। उसके बाद आता है बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन मैट्रिकूल। मैट्रिकूल इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसका जो फ्री वर्जन है वो काफी कुछ इंक्लूड कर देता है। हूटस्वीट में फ्री वर्जन था जो उन्होंने निकाल दिया, तो आप एक तरीके से मेंटली प्रिपेयर होकर रहना, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होगा आज अगर उसमें फ्री वर्जन है भी तो कभी भी वो लोग निकाल सकते हैं। फॉरएवर फ्री बोल के लिखते हैं, बट आई एम रियली नॉट श्योर कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नहीं। तो मैट्रिकूल का एक फ्री वर्जन है और उस फ्री वर्जन काफी सारे चीजों को वो इंक्लूड कर लेता है। शायद लिंक्डइन नहीं है उसमें, जो भी एक सोशल मीडिया मैनेजर को करना चाहिए, जो भी एक इन्फ्लुएंसर के लिए बहुत हेल्प होगा, वो सब कुछ मैट्रिकूल कर देता है। अगर आपको थोड़ा सा एडवांस्ड फीचर्स चाहिए, अगर आप चाहते हो कि सारे प्लेटफॉर्म्स इंक्लूड हो जाए, इंक्लूडिंग लिंक्डइन और भी कुछ जो एडवांस फीचर्स है, इन दैट केस आपको एक पेड वर्जन में जाना पड़ेगा और काफी सारे पेड वर्जन्स होंगे। जैसे जैसे वो पेड वर्जन का फी ज्यादा होता है, उतना ज्यादा आप क्लाइंट प्रोफाइल इंक्लूड कर सकते हो और थोड़ा बहुत एडिशनल एडवांटेजेस भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद एक और आता है विस्टा सोशल। विस्टा सोशल में भी फ्री वर्जन है। इसमें जो फीचर्स है थोड़ा सा लिमिटेड है, मतलब मैट्रिकूल में जितना है उतना फीचर्स फ्री वर्जन में नहीं है। लेकिन अगर आपको बल्क पोस्ट करना है, मतलब आप एक पर्टिकुलर पोस्ट क्रिएट करके सेम चीज अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में एक साथ अगर आपको पोस्ट करना है, उसके लिए आपको पेड वर्जन में आना पड़ेगा। तो अब हमारे पास ऑप्शन है, एक मैट्रिकूल अच्छा ऑप्शन है, विस्टा सोशल भी अच्छा ऑप्शन है। अगर आप सिर्फ अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मैनेज करते हो, इन दैट केस आई वुड रिकमेंड मैट्रिकूल। फ्री वर्जन में जो भी फीचर्स आपको मिलता है वो काफी है। लेकिन आप एक क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, आपको लगता है कि थोड़ा बहुत एडवांस फीचर्स आपको चाहिए, आप चाहते हो कि सारे प्लेटफॉर्म्स भी इंक्लूडेड हो, मैट्रिकूल का जो बेस वर्जन है जिसमें 5 क्लाइंट्स को आप हैंडल कर सकते हो, मतलब 5 प्रोफाइल्स को आप हैंडल कर सकते हो $18 में, जिसमें काफी ठीक ठाक एडवांस्ड फीचर्स आपको मिल जाएगा। विस्टा सोशल का जो हायर वर्जन है, जो इसका जो पेड वर्जन है या फिर इसका हायर वर्जन है, इन दोनों में से कोई भी आप चूज कर सकते हो।
अगर मैं यूआई के पर्सपेक्टिव से कंपेयर करूंगा, आई वुड से पर्सनली मुझे विस्टा सोशल का जो यूआई है वो ज्यादा पसंद है, थोड़ा ज्यादा मॉडर्न लगता है, काम करने में भी थोड़ा अच्छा लग जाता है। तो यूआई की पर्सपेक्टिव में मैं विस्टा सोशल को नंबर 1, मैट्रिकूल को नंबर 2 और हूटसुइट बहुत पुराना टाइप का, अभी तक तो कम से कम उसका यूआई है जो नंबर 3 पे है। आपको एक ब्रांड से मतलब है, आपको एक लेगेसी से मतलब है, इन दैट केस आप चाहिए तो हूटसुइट भी यूज कर सकते हो। तो ये मेरा ऑप्शन है जो मैं आपको दे सकता हूँ। अगर इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए बहुत सारे व्यूज आए देन डेफिनेटली एक एक फीचर कंपेयर करके मैं बहुत डिटेल वीडियो भी बना सकता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट, किसी भी एक प्लेटफॉर्म को अगर टेस्ट करना है आपको, उसका सब्सक्रिप्शन ले लो। उसका एक फ्री ड्यूरेशन भी होते हैं, 15 डेज फ्री, 1 मंथ फ्री। कुछ टाइम पहले मुझे हूटसुइट का 3 मंथ का एक ऑफर मिल गया था, तो मैंने उसको सब्सक्राइब कर लिया। लेकिन एक बात को आप याद रखना है, ये जो फ्री सब्सक्रिप्शन होता है जिसमें आप क्रेडिट कार्ड डालते हो, उनका मेन फायदा जो है वो जब भी वो फ्री ऑप्शन आपका खत्म हो जाता है, वो 15 डे ट्रायल हो सकता है, 1 मंथ का ट्रायल हो सकता है, 3 मंथ का ट्रायल हो सकता है, ये ट्रायल खत्म होते होते आपको पता भी नहीं चलेगा और जो पैसा आपका कट जाएगा, यही उनका मेन फायदा है। वो एक महीने का पेमेंट भी उनके लिए बिग डील है। इसलिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करो, पेमेंट सेक्शन में जाके, उसमें बिलिंग सेक्शन में जाके उस सब्सक्रिप्शन को इमीडिएटली कैंसिल कर दो। विच मीन्स जितना दिन फ्री ट्रायल होगा आपका, उतना ही दिन वो एक्टिव रहेगा। सब्सक्रिप्शन हमेशा उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन, जो फ्री ट्रायल का ड्यूरेशन है, वो एक्टिव रहता है। तो सारे सोशल मीडिया मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म पे जाओ, एक साथ या अलग अलग टाइम पे ट्रायल वर्जन को सब्सक्राइब करो और इमीडिएटली उसको कैंसिल कर दो, उसका ट्रायल पीरियड खत्म होने दो और एक्सपायर होने दो। और आप फीचर्स के मामले में, यूआई के मामले में, ये सारी चीजें आप खुद कंपेयर कर सकते हो। आपको जो भी पसंद आएगा बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी, बेस्ड ऑन UI एंड बेस्ड ऑन prices, वो ऑब्वियसली आपके क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करेगा। ऐसे करने से आपको डिसीजन लेने में बहुत हेल्पफुल होगा। लेट मी नो वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है देन प्लीज लेट मी नो बाय हिटिंग दैट थम्स अप। प्लीज टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक्स अगेन, टेक केयर।